ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय में शनिवार को बीजेपी, बसपा और जदयू के कई नेता सपा में शामिल हो गए। अखिलेश यादव ने नेताओं को सदस्यता दिलाई। मीडिया से चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला। सपा प्रमुख अखिलेश ने कहा, जो लोग 2014 में आए थे वे 2024 में जाने वाले हैं। 10 साल हिटलर का समय था, 10 साल तो इन्होंने भी पूरे कर दिए। ये चुनाव अपनी अपनी आज़ादी बचाने का है, ये संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का समय है। अखिलेश के हिटलर वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, अखिलेश यादव ने मानसिक संतुलन खो दिया है, वह हताश है और इस दौर में पहुंच चुके हैं कि उनके ऊपर हताशा छा चुकी है। एक एक करके अलायंस पार्टनर छोड़कर चले गए, वह पीएम के अपमान का खामियाजा जरूर भुगतेंगे। स्वागत भी अच्छा करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं और 10 साल हिटलर का ही समय था, 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। और सवाल ये है कि नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।